आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिस खबर को जानकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, घटना है बालासोर ट्रेन दुर्घटना का, जिसमें क्या हुआ था, उड़ीसा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना में क्या हुआ था और एक मृत व्यक्ति को उसके पिता ने कैसे बचा लिया। उसके पिता ने उसे मौत के मुंह से खींचकर अपने बेटे की जान बचाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुर्दा घर में बेटे का हाथ हिलता देख पिता ने बचाई जान। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना के दरमियान 24 वर्षीय विश्वजीत मलिक भी उसी ट्रेन में सवार था। जरा गौर से सुनिए, उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ था बालासोर में, उस ट्रेन में 24 वर्षीय विश्वजीत मलिक भी सवार था और उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मुर्दा घर जाने के बाद भी वह बच गया। अब कैसे? ट्रेन दुर्घटना के कुछ देर पहले उसके पिता ने उससे बात की थी और ट्रेन दुर्घटना जब हुई थी, जब उसके पिता को पता चला कि जिसमें हम अपने बेटे को बैठा कर आए हैं वो ट्रेन हादसा का शिकार हो गया है, उन्होंने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा को काफ़ी चोट लगा हुआ था, बेटा का नाम था विश्वजीत मलिक, लेकिन वो बढ़िया से बोल नहीं रहा था वो, लेकिन उस समय तब वो जिंदा था। उसके पिता देर नहीं किए और वहाँ से जहाँ इसके पिता थे वहाँ से घटना जहाँ हुई थी 230 किलोमीटर दूर था। पिता अपने घर से शालीमार से एम्बुलेंस के साथ में घटनास्थल पर रवाना हो गए। घटनास्थल पर जब वो पहुँचते हैं तो अपने बेटे का खोजबीन चारों तरफ किया। जी हाँ, चारों तरफ अपने बेटे का खोजबीन वो करते हैं लेकिन कहीं उनका बेटा नज़र नहीं आता है। कारण कि उनका बेटा कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार था और वही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मगर तभी उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका बेटा को मुर्दा घर में रख दिया गया होगा। कुछ देर बाद उनके पिता इधर उधर जब दौड़ते रहे कहीं नहीं मिला तो वहाँ पर एक अस्थाई मुर्दा घर बना हुआ था। जब वहाँ वो जाने का प्रयास किए तो प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोक दिया। फिर भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो किसी तरह से मुर्दा घर में पहुँचते हैं तो वहाँ सैकड़ों लाशें वैसे ही बोड़ों की तरफ फेंका हुआ था। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते पिता की आंखें ढूंढते ढूंढते अपने बेटे को ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ पर देखते हैं वो कि उनके बेटे का हाथ जो है वो हिल रहा है। वो दौड़े दौड़े आए और डॉक्टर को बताए कि देखिए वहाँ पर एक मेरा बेटा है, विश्वजीत मलिक नाम है, उसका हाथ हिल रहा है। डॉक्टर आनन फनान में गए और विश्वजीत मलिक को वहाँ से निकाल करके बाहर लाते हैं। जब बाहर लाते हैं उसके बाद उनको कटक हॉस्पिटल भेजा गया, रेफर किया गया और उसके बाद एक साधारण इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। तो आपने देखा कि कितना आश्चर्यजनक। फिर उन्हें वहाँ से कटक ले आया जाता है। जब वो कटक आता है तो उसका इलाज प्रारंभ हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा इलाज किए बगैर, एक साधारण इलाज किए हुए यानी कि फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है उसको करके ही उसकी जान बचा दी गई। और आप सोचिए कि उसे मुर्दा घर में फेंक दिया गया था। अगर वो मुर्दा घर में फेंक दिया गया होता और उसे अगर उचित चिकित्सा वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता तो उसकी जान वहाँ जा सकती थी। लेकिन एक पिता ने जितनी तत्परता दिखलाई, उन्होंने अपना समय न गंवाते हुए बिल्कुल सही वक्त पर आ करके अपने बेटे की जान बचाई। तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जब भी आप अपने को तलाश करने के लिए जाइए तो वहाँ पर्याप्त व्यवस्था से जाइए, गाड़ी से जाइए, ताकि आप सही समय पर पहुँचकर उसका बेहतर इलाज कर सकें। नहीं तो आप या कोई भी अन्य आदमी इस तरह का अनचाहे घटना का शिकार हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा जहाँ भी रहें सतर्क रहें, मुस्तैद रहें, चौकन्ने रहें और हमेशा अपने विवेक का, स्वविवेक का इस्तेमाल बेहतर तरीके से रख करें ताकि आपको एक साथ ही घटना